हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, 11:15 हो गया। आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, 10 बजे उठी हूँ। और बाहर देखो, टोपा पहने थे क्यों कर, और या देखो या चुटिया रहेगी भाई, सारा बाल उतर गया चुटिया रहेगी। और ये बे शॉर्ट कटिंग कराने दो, एक तो ये रेड कलर का, वो थोड़ा चांदना कर दो, आज पर्दा ना हटाया है। इस साइड तो कौन, इस साइड तो सही आओगी। तो एक तो यो सूट कटिंग कराया है, एक यो जामुनी सा पैंट कटिंग करी है, यो तो मैंने काले सील दिया था कुछ 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 कुछ। और इसकी देखो लटकन, ऐसी लटकन बनाई है मैंने, इसकी अच्छी लग रही है ना। और यार लैस लगनी बाकी रह रही है इसके जोड़ी के, यार लैस लगाऊंगी। और उसकी बाजू भी मैंने कुछ डिजाइनर सी बनाई है, बाद में दिखाऊंगी सूटा करके। जुल्फ देख लो, चादर क्या रही हूँ, पानी गर्म लगाया है, नहाऊंगी मैं और चाय पीऊंगी। चाय ना पी, आज 11 बज गया। पता है आज तो मौसम ठीक है, इतनी ठंड ना है, टोपा टापा उतर गया, नहीं तो परसों और काल मजाल के जब टोपा भी उतर जा तो कसूती भयंकर ठंड थी। सिलाई करनी भी इतनी मुश्किल हो रही थी, आज ठंडा हूं था। तो मैं चाय बना लूंगी, फोन न पकड़ी पकड़ी कोई काम ना हो, इतनी बड़ी वो लोकर कोनी मैं थोड़ा बहुत शूट कर लियो। मेरा खास सब्सक्राइबर है एक दो, वह ब्लॉग की बात देखा कर, जैसे निर्मला निर्मला बाट देख दी पावी ब्लॉग कंसिया होगो डेढ़नी को चाय बना लियो निर्मला। तो गाइस बन गई मेरी चाय, थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट लिया है और चाय ली है, और एक बच्चा तो जूस पी के वापिस घुस गया कमरे में, पर एक बच्चा बिल्कुल भी नहीं लाया है सुबह का। बच्चा पैर मत मार दिए, मैंने चाय रखी है पीछे, हटा दू कि थोड़ा पर्दा धूप आओगी तो। थोड़ा पर्दा हटा दू, देखो शीशा पे भी ओस जम रही है थोड़ा है, मैं पर्दा हटा दू, यहाँ सूर्य देव आए करें। और ये देखो ओस ओस जमी पड़ी है कति। तो गाय जा जाओ चाय पी लो, आज मैं बहुत लेट इसलिए उठी, मैं कल 6 बजे उठ गई, 6 बजे उठ गई। सोनी आ रही थी, उसका तो रोटी बनाई, पानी गर्म कराया, वह ना आई, फिर उसने छोड़ के आई ऑटो तक। फिर कल मैं सारा दिन काम कर करके थक गई, जल्दी सो गई, फिर शाम ने 9 बजे सी, फिर आज सोची उठ तो गई जल्दी, फिर सुबह निकलने जी ना कराया कंबल में तक मैं पड़ी रही थोड़ी देर, और ठंड में कंबल में सही नुआई हो रही है। फिर मैं फोन देखने लागी पड़ी पड़ी, 10 बजे बाहर निकली कंबल ते, फिर थोड़ा पानी पुनी गर्म पिया, फिर सूट कटिंग करी, फिर चाय पी। चाय तो अभी पीन लाग रही हूँ। पर बाकी आज ठंड थोड़ी कम है, टोपा टापा उतर गया, नहीं तो परसों काल थोड़ी कम थी, परसों बहुत ज़्यादा ठंड थी। मशीन का तो हाथ भी ना लगा था, न्यू वाटर था। और देखो मैंने बड़ी मुश्किल से अंगूठी काटी है मेरी, ये मेरा सूज रहा है जड़, पानी में गर्म में सेकू हूँ, थोड़ा हाथ तो कम होया है, पर बहुत मुश्किल से लकाड़ के गिर रही हूँ। और ये मेरे वो हाथ दुखन लग गया, मैं चाह पी लियो सू। ये
कच्चा बूत फोन देखे कमरे में बड़े बड़े अरे ये मनु को मारी नहीं बनाओगी तेरा वो लोग मामनी आओ बाद में मिलू। तो गाइज ईव है ना सूट नहीं सी लिया इतनी देर का, मटर गस्ती करन लाग रही थी, वीडियो बनानी ये करना वो करना मटर गस्ती। तो ईव मैं सूट सी लूंगी फटाफट, और है ना आज मैं आपने न्यू दिखाऊंगी मैं सूट कितनी देर में सी लूंगी, ये वाला सूट सी लूंगी ठीक है। ये देखो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है, यो मैंने इनर इसमें चिपकाया है ठीक है, कोई भी काम अभी इसका हुआ नहीं है। और इसका ये इसकी बाजू है और एक मिनट खोलूं, और ये इसका बैक पार्ट है, बैक पार्ट भी यूं का यूं है देख लो, इनर लगाया है, गला कटिंग कर रखा है। तो मैं ये सिल लूंगी, गेट खोल दूं, बच्चा आया है और ये गला यो गला बनाऊंगी, कत्तर काट रखी है और मशीन में धागा धागा डाला है, कुछ नहीं कराया है, सारी इस चीज ये पड़ी है, यो बैक पार्ट यो फ्रंट पार्ट ये बाजू, और ये बनाऊंगी और ये बाप ने बनाऊंगी, टाइम दिखाऊंगी कितना टाइम पे मैं शुरू करूंगी और कितना टाइम पे मैं खत्म करूंगी, कौन सी साइड करूँ कौन सी साइड क्लियरिटी आवे है, इस साइड क्लियरिटी आवे है। और ये देखो ये तुरपाई तो आया है, मैं दिखाऊं आपने कमीज हो गया हूँ, आज दो देख के आए ना, आज वाला को लिखा इन पर प्रेस भी करनी बाकी है, दिखाऊं ये छह कमीज आया है, छह कमीज होना चाहिए, प्रेस करूंगी ना तो थोड़ी फिनिशिंग आओगी इस पर, पफ है ये पफ वाली स्लीव बनाई है, पीछे ये लटकन बनाई थी इसकी, और पीछे प्लेट भी डाली है, ऐसा नहीं है प्लेट नहीं डाली है। एक यो ग्रीन सूट इस इनकी तुरपाई करनी पड़े, चेक भी करनी पड़ेगी, मन कहीं तो छोड़ छाड़ नहीं रखी, इस बाजू पे ये लगा दिया पट्टी, थोड़ा बहुत कुछ लगा दिया अगर बाजू प्लेन हो तो, और इसमें भी ये वाली लटकन बनाई है और इसमें बैक प्लेट नहीं डाली है, ये इस टाइप का सूट है, सारा बोच बाच के दे रखा है, ते भी डंते नहीं कर रखी। और एक यो रानी कलर का सूट, यो मैंने कभी दिखाया हो पहले भी वीडियो में, इसकी भी पफ स्लीव्स बनाई है ये देखो, और आ गया चंपा लेस या समोसा लेस कुछ भी कहें या, और बैक में इसके मैंने डाला है प्लेट डाली है बैक में, तीन एक चौथा फिरोजी यो सिला है, यो तुरपाई होके आया है इसका, यो डिजाइन है और बैक पार्ट, और इसकी बाजू में भी ऊपर प्लेट डाली है, इस तरह की बनाई है, चार पांचवा यो है इसका, इस तरह से जो वी नेक है ना कटोरक में, बिल्कुल कटोरक में सिलाई लगा के मैंने वो पलट दिया, और पीछे का भी वी बना दिया और इस पे गोटा लगा दिया, आगे का वी है तो मैं पीछे का भी वी बना दू, बाजू ये प्रिंटेड थी तो सिंपल रखी है, बैक प्लेट डाली है और नीचे थे तो प्लेन था, एक यो होगा कह कुर्ती आ गई रह कह रहेगी, एक यो पीला सूट और इसका नीचे तो ये ऐसे फ्लावर हैं और पीछे प्लेट हैं और बाजू इसकी ऐसे डिजाइन करी है, आधी आगे का पार्ट लगा दिया, आधी जो है यो पीछे का पार्ट लगा दिया, यहाँ तक की जो बाजू है इसमें इनर लगा दिया, आगे का जो ये लगाया है कुर्ती वाला कपड़ा उसमें इनर नहीं लगाया। तो कमीज गिन लूं कितने आए हैं, छह कमीज थे, एक दो तीन चार पांच छह कमीज आ गए, और इनकी कोई पेंट बनाई है कोई अफगानी सलवार बनाई है, वे आप ताई दिखाऊं लाई अभी। तो ये देखो एक जो रानी कलर की कुर्ती थी उसके नीचे तो मैंने ये अफगानी सलवार बनाई है, ऊपर डाला है इलास्टिक,
लास्टिक वाली अफगानी बनाया करू मैं, सही रवे है। और नीचे ये ऐसा पोचा बनाया है छोटी छोटी चुन्नट डाल के गोटा लगा के, ये अफगानी सलवार। एक ये अफगानी सलवार बनाई है, ऊपर लास्टिक डाला है और नीचे इस तरह से डिजाइन दिया है, जो कटवर्क करके कटवर्क पर भी गोटा लगा दिया, दो लाइन ऊपर लगा दी और छोटी छोटी प्लेट डाल दी। अच्छी अफगानी सलवार बने हैं ये वाली, ट्राई करके देख लियो। अगर आपने ये अफगानी सलवार इस तरह वाली कटिंग आपने सीखनी है, कटिंग स्टिचिंग, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं मेरा सिलाई वाला चैनल पर इसकी कटिंग स्टिचिंग डाल दूंगी। ओके, या पैंट बनाई थी इसका बिल्कुल सिंपल डिजाइन बनाया है, इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं दोनों पैर पे, तो ये आगे आगे आऊंगे और पहनने के बाद ये अच्छी लगेगी। ना इसमें कोई लेस का झंझट है, ना कुछ लगाना लाना, ये पिनटेक्स डाल दिए दोनों पैरों पे, पहनने के बाद अच्छी लगेगी। एक पैंट पे ये सिंपल कुर्ती का बॉर्डर लगाया है और एक पैंट पे यह वाली लेस लगाई है गोल्डन इस तरह से, और एक दो पैंट और रह रही हैं उन पे डिजाइन बनाऊंगी। तो ये तीन चार मैंने पैंट सलवारों का डिजाइन दिखा दिया, और इब देखूंगी यह कुर्ती, अगर ब्लॉग का टाइम पूरा नहीं होया होगा तो यह बना के दिखाऊंगी, अगर पूरा होगा होगा तो अगली किसी वीडियो में बताऊंगी कितनी देर में सिल लूँ, ठीक है, अगली किसी वीडियो में डाल दूंगी फिर मैं। तो ईब आपने दिखा दूं मैं 3:45 कुर्ती आपका ही दिखाई थी, यूं की यूं पड़ी है यो आगे का पार्ट, ये स्लीव्स, स्लीव्स प्लेन है, स्लीव्स पे भी कुछ ना कुछ डिजाइन लगाऊंगी, सानी है प्लेन रखूंगी, और यो बैक पार्ट है, और यो गला पड़ा मैंने सिर्फ धागा धागा मशीन में पिरोया है, और पूरी चार होया है, आपने टाइम दिखा दिया है। इब मैं सिलाई करन बैठू हूँ इब ते, और कोई बीच में ना आया कस्टमर तो देख दिखाऊंगी आपने कितनी देर में सिल लूंगी। तो ये देखो कुर्ती मेरी सिमगी है, और टाइम दिखा दो आपने, मैं 4:45 लगी थी, 4:30 हो गई, यानी कि 45 में यह मेरी कुर्ती सिमी है, 1.5 घंटा लगा लो। मैं थोड़ी सी प्रेस करके थोड़ी ही फिनिशिंग दिखाऊं आपने, और साथ में इसका मोती भी था, फिटिंग में भी टाइम लग गया है, मोतियां वाला में है ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे जा है। और बाजू पर डिजाइन करया, ये गोटा लगाया, ठीक है, बाजू भी प्लेन थी। ये देख सको बाजू पे ये लगाई चार चार लाइन दोनों बाजू पे, और बैक प्लेट भी डाली है, यूं नहीं है बैक प्लेट नहीं डाली है, ये देखो बैक प्लेट भी डाली है, और साइड तो लाइट लग गई थोड़ी सी, और ये बैक जोड़ी आगे की जोड़ी है, इस पे भी मोती था तो यहाँ छोड़ छोड़ के सिलाई लगाई है जोड़ी फोल्ड करने में, और आगे की साइड या वाली पट्टी लगाई है, इस पट्टी ने मैं सुई ते फोल्ड करूंगी, या मोती है नहीं तो सुई ते, मशीन ते सारा मोती टूट जाऊंगा, तो यहाँ कच्ची सिलाई लगा के इसने फोल्ड करूंगी, या पट्टी लगाई, और चाक पट्टी भी लगाई है, देख लो कोई भी काम मैंने बीच में नहीं छोड़ा है, और यह वाली पट्टी भी लगाई है, इंटरलॉक अभी बाकी है इसमें, और उप पट्टी भी लगाई है, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं कुर्ती की, थोड़ी सी प्रेस लगाऊंगी ना फिर इसकी फिटिंग का सही पता चलेगा। तो इनर वाली कुर्ती जल्दी जल्दी सिल लूं तो मेरी ला लो 45 में तैयार हो गया है, नहीं तो आराम से अगर सिलू ने तो घंटा लग जा आराम से,
घंटा लग जा है। तो देख सको आपकी फिटिंग। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम।